अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री को देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन को रीड किया है कि क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई इसलिए किया जाता है ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें, ठीक है, उनकी सिमिलैरिटीज़, उनके डिफरेंसेस को इजीली हम देख सकें। अब हमने देखना है कि हिस्ट्री क्या है इसकी। अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का सिस्टम सबसे पहले अरिस्टोटल ने दिया। अरिस्टोटल कौन था? ग्रीक फिलोसोफर। उसने क्या कहा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब या तो ग्रुप प्लांटी में है या फिर एनिमेलिया में है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सब के सब या तो एनिमेलिया ग्रुप में है या फिर प्लांटी ग्रुप में है। ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन एट द टाइम एज एदर इन द ग्रुप प्लांटी और इन एनिमेलिया। इन 700 अबू उस्मान उमर अल जाहिज, इन्होंने क्या किया था कि 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को, उनके करेक्टर्स को डिस्क्राइब किया, ठीक है, 350 एनिमल स्पीशीज के करेक्टर को डिस्क्राइब किया। और इसके अलावा उन्होंने आंट्स के लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा, हशरात की ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा। इन 1172 इब्ने रश्द ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल बुक्स द एमिना ऑन द सॉल इन अरबिक। इब्ने रश्द ने क्या किया, अरिस्टोटल की बुक द एमिना उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया, ठीक है। इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड, जैसा कि एंड्रिया साइजलपाइनो, उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया एंड कॉल्ड देम जेनरा, और उसको जेनरा का नाम दिया, ठीक है। नेक्स्ट जॉन रे ने क्या किया, पब्लिश्ड इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट्स क्लासिफिकेशन पे इम्पोर्टेंट वर्क किया, मतलब कुछ काम किया और उसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश मीन गूगल पे डाल दिया या फिर लोगों को सर्च करके दिखाया अपने बुक्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट ऑगस्टस लिविनस, इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस द टैक्सन ऑफ ऑर्डर, इन्होंने ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाया। टोर्निफोर्ट, इन्होंने टैक्सा क्लास और स्पीशी को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। नेक्स्ट कार्लस लाइनस, ग्रुप स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, इन्होंने उन ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कर दी जिनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थे। फिजिकल मीन जो हमें नज़र आते हैं, ठीक है, जैसा कि हमें कलर नज़र आता है, आई शेप नज़र आती है, ठीक है, नोज शेप, फेस, ये जितने भी हमें करेक्टर नज़र आते हैं उनको हम फिजिकल कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जितने वो ऑर्गेनिज्म जिनके फिजिकल करेक्टर सेम थे उनको उनकी ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। तो ये आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं, अरिस्टोटल ने क्या वर्क किया, इब्ने रश्द ने क्या वर्क किया, तो ये आपको MCQs में आएंगे। नेक्स्ट कार्लस लाइनस डिवाइडेड नेचर इनटू 3 किंगडम। कार्लस लाइनस ने पहले तो फिजिकल करेक्टर्स की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग कर दी, ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कर दी, फिर उन्होंने क्या किया, नेचर को 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया, मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। लाइनस यूज्ड 5 रैंक इन क्लासिफिकेशन, उन्होंने 5 रैंक को यूज़ किया, क्लास को, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटी। लाइनस इज बेस्ट नोन फॉर हिज इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथड स्टिल यूज टू फॉर्मुलेट द साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी स्पीशीज, और इसके अलावा उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया,
ठीक है, उन्होंने एक ऐसा मेथड बनाया जो उनका मेथड अभी तक यूज़ होता है। कौन सा मेथड? साइंटिफिक, हर स्पीशी को साइंटिफिक नेम देने का मेथड। ऑलराइट, बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच अ सिस्टम डैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिस्ट किस सिस्टम को प्रेफर करती हैं? जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंसेस और उनकी सिमिलरिटीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अकॉर्डिंग टू अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इन टू टू किंगडम, बट नाउ टेक्सोनोमिस्ट एग्री ऑन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वी विल सी द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड द ड्रॉबैक्स इन द टू किंगडम एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसमें ऑर्गेनिज्म को हमने टू किंगडम में क्लासिफाई किया था, फिर उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया। लेकिन जो टेक्सोनोमिस्ट थे वो डिसएग्री थे इन दोनों किंगडम्स से, ठीक है। उन्होंने किसको प्रेफर किया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। और टू किंगडम और थ्री किंगडम में ड्रॉबैक्स देखेंगे, वो ड्रॉबैक्स कौन से थे वो भी हम रीड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या रीड किया है? हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपने इस पेज में सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है, ठीक है। वो अरिस्टोटल, अबू उस्मान, उमर अलजाहिज, इबन रश्द और इनके अलावा ये जो फोर फाइव साइंटिस्ट हैं इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाएंगे। और कार्लस लाइनस ने नेचर को कितने किंगडम में डिवाइड किया था ये भी आपको, ये भी एमसीक्यूज़ में ही पूछा जाएगा, ठीक है।